नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर मालदीव के नेताओं द्वारा अपमानजनक बयान देने के मामले में 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। मालदीव की सरकार ने इन मंत्रियों के बयान को निजी बताते हुए यह कार्रवाई की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीर शेयर करने के बाद लोग इसकी तुलना मालदीव से करने लगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर टीएमसी आग बबूला हो गई है। टीएमसी ने बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली परीक्षा का परिणाम आज आएगा। धर्मपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम घोषित होगा, जिसके लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। बीजेपी की बड़ी बैठक 10 जनवरी को अयोध्या में होगी। पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोषी बैठक लेंगे। इस बैठक में 22 जनवरी के बाद अगले 50 दिनों तक हर दिन 50,000 लोगों को कैसे दर्शन कराया जाए, इस पर चर्चा होगी। अयोध्या में ठहराने की जिम्मेदारी भी बीजेपी नेताओं की ही होगी। म्यांमार के उत्तर पश्चिम हिस्से में एक गाँव पर सेना के हवाई हमलों में 9 बच्चों समेत कम से कम 17 नागरिकों की मौत हो गई। भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। हज 2024 के लिए भारत से कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा फाइनल किया गया है। इसमें भारतीय हज समिति की तीर्थयात्रियों के लिए 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई हैं। बांग्लादेश आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बड़े अंतर से चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन इस चुनाव में कई जगहों पर हिंसा के मामले सामने आए हैं। शेख हसीना की पार्टी को आम चुनाव 2024 में 2,49,465 वोट मिले, जबकि विपक्षी दलों को महज 469 वोट ही मिले हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान शाकिब अल हसन ने राजनीति की पिच पर कमाल कर दिया है। क्रिकेट के मैदान पर अपने हर हुनर का लोहा मनवाने वाले स्पिनर ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने करीब 1.5 लाख वोट से अपना पहला चुनाव जीता है। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यूपी, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि अभी ठंड और घने कोहरे से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में साइंस सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रमन साइंस सेंटर्स पर बम विस्फोट का धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और केस दर्ज किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को जानकारी दी और इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। फिलहाल धमकी देने वाले की तलाश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को महाराष्ट्र के 46 लोकसभा सीटों के लिए समन्वयक नियुक्त किया। कांग्रेस जो पहले ही शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी के साथ एमवीए विकास आघाड़ी की पार्टी है, जल्द ही कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सीट बंटवारे पर बातचीत करेगी। मुंबई एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने मुंबई के बोरीवली इलाके में एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एटीएस ने उनके पास से 3 बंदूक और 29 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक और राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी इस महीने से पूरे जोश के साथ आयत मोड में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े राजनीतिक नेताओं को पार्टी में शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, इसे लेकर पिछले 1.5 साल में कई बार बदलाव देखने को मिले हैं। भारत के 2 शीर्ष अमीर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच 1 पोजीशन को लेकर कांटे की टक्कर चल रही है। हाल ही में गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने में कामयाब हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर मुकेश अंबानी फिर से 1 बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। 16 सदस्य स्क्वाड में सबसे खास बात रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम आना रहा। दरअसल ये दोनों दिग्गज पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से एक भी T20 इंटरनेशनल नहीं खेले हैं। ईशा कोप्पिकर और उनके पति टिमी नारंग के 14 साल की शादी के बाद अलग होने की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस जोड़ी का अब ऑफिशियली तौर पर एक दूसरे से तलाक हो गया है। एक्ट्रेस अपनी 9 साल की बेटी रियाना के साथ शिफ्ट हो गई है। वहीं टीमी ने हाल ही में एक न्यूज पोर्टल से अपने तलाक को कन्फर्म किया। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का आगाज अमेरिका में हुआ है। अवार्ड शो में इस बार ओपनहाइमर फिल्म का बोलबाला देखने को मिला। वहीं बार्बी को कुल 9 और ओपनहाइमर को 8 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस बार इस समारोह अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो रहा है। इसे अमेरिका स्टैंड अप कॉमेडियन जो कोई होस्ट कर रहे हैं। शाहरुख खान की डंकी ने जवान और पठान का रिकॉर्ड अब तक नहीं तोड़ा। फिल्म को रिलीज हुए 18 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में ताजा आंकड़े देखकर यह मुश्किल लग रहा है कि शाहरुख इन दोनों फिल्मों को मात दे पाएंगे। 120 करोड़ के बजट में बनी डंकी की रफ्तार वीकेंड पर भी धीमी ही रही।
ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।